देखिए, इस वर्ष सितंबर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 सालों का रिकॉर्ड दिल्ली और एनसीआर में बारिश का टूट गया है, जहां करीबन 26 से 27 घंटे से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाजियाबाद के वसुंधरा की, जहां एक रिहायशी सोसाइटी में हम लोग मौजूद हैं, ये रेजिडेंशियल सोसाइटी, और चारों तरफ पूरी तरफ यहाँ पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं या जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, ये आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको गाड़ी यहाँ से निकलते हुए नजर आएगी, उसका आधा पहिया जो है वो पानी में जलमग्न हो चुका है, और ऐसे में गाड़ियों के खराब होने का भी खतरा रहता है। लेकिन क्योंकि आज वर्किंग डे है, तो ज़्यादातर लोग आपको ऐसे में ऑफिस जाते हुए भी नजर आएंगे, जद्दोजहद करके लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उठने वाली लहरें इस बात का यकीन नहीं होता कि यहाँ पर कोई सड़क भी है, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लहरें उठती जा रही हैं। 19 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, करीबन 11.2 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है। और ये एक रिहायशी सोसाइटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां का जो निकासी है वो भी पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। यानी कि यहां पर अगर अच्छी तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बना होता, निकास उसका बना होता पानी का, तो शायद ये नौबत नहीं आती। निकासी की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो पूरी तरह से जाम हो गया है, जिसकी ज़रूरत होती है कि साफ़ सफाई हो, मानसून आने से पहले वक्त से उसकी साफ़ सफाई हो, लेकिन ऐसा नहीं होने पर तस्वीरें कुछ ऐसी रहती हैं, और आम नागरिक को, जो आम लोग हैं, उनको इस तरीके से तकलीफ झेलनी पड़ती है। देखिए, मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आज पूरे दिन कुछ इसी तरीके से बारिश होती रहेगी, कल के दिन कुछ राहत मिल सकती है, हल्की बारिश का अनुमान है, और आने वाले करीबन 2 से 3 दिनों में बारिश थम सकती है और तापमान फिर से बढ़ोतरी की ओर जा सकता है। करीबन 26 से 27 घंटे दिल्ली और एनसीआर में लगातार बारिश हुई, फिलहाल बारिश रुकी हुई है, लेकिन लगातार हुई बारिश का असर जमीनी स्तर पर क्या है आप देखेंगे। तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज पर इस वक्त प्रगति मैदान की दिखा रहे हैं, जहां पर ये मुख्य सड़क है नोएडा से दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली को जोड़ने वाली। यानी कि आप अगर नोएडा गाजियाबाद से आ रहे हैं, तो सेंट्रल दिल्ली जाने के लिए, इंडिया गेट जाने के लिए इस सड़क का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मानो सड़क का नामो निशान गायब है। ये 3 लेन की सड़क है, जिस पर केवल 1 लेन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बाकी दोनों लेन्स पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम यहाँ पर कई महीनों से चल रहा है, जो निर्माणाधीन काम है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अंडरपास है, जहाँ पर जो टनल बना हुआ है उसके ऊपरी छोर तक पानी भरा हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे में जहाँ पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में जो दो पहिया चालक हैं, जो 2 व्हीलर्स चलाने वाले लोग हैं, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये आप तस्वीरों में देखेंगे। ऑटो को कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर ऑटो बहुत ही ईजीली, आसानी से डिसबैलेंस हो जाता है, तो वो आप तस्वीरों के ज़रिए देख कर समझ सकते हैं। क्योंकि जहाँ पानी टकने से भी मेरे ऊपर बढ़ गया है, ऐसे पानी में अनुमान लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर कहीं कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं। यहाँ पर अनुमान लगाना इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि निर्माणाधीन काम भी चल रहा है, ऐसे में ये अनुमान लगाना और भी ज़्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि अगर यहाँ पर कोई गड्ढा हुआ तो आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। गनीमत यह है कि फिलहाल बारिश रुक गई है, लेकिन मौसम विभाग ने जिस हिसाब से चेतावनी दी है, लगातार बारिश आज इसी तरीके से हो सकती है, और इससे ज़्यादा बारिश होती है तो दिल्ली के और कई सारे इलाके जलमग्न हो जाएंगे और लोगों की मुश्किलें कहीं ज़्यादा बढ़ा देंगे। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।